कृष्णा राधे राधे। कृष्णदास जी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं आज मैया से कुछ अलग श्रृंगार करवा रहा हूँ, इसलिए आप सब देख के बताना मैं श्रृंगार कैसे हुआ। जय श्री राधे। और आज हम दोनों लल्ला का मैया अलग अलग श्रृंगार करेगी, पहले मेरा, फिर छोटे बाबू का, गोपू का। हाँ, लेकिन सेम श्रृंगार होगा, थोड़ा बहुत ही अलग होगा। तो आप देखिए श्री राधे। और अगर आपको ये श्रृंगार पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राधे। लल्ला को ऐसे बिठा दिया है और अब मैं इनको पहले, हे कृष्णा, ये देखिए पायल है। वैसे लल्ला ने पहन रखी है, लेकिन मैं आज ही ऊपर से ऐसे ही बना के दिखाती हूँ। ऐसी राधे राधे राधे। तो ये वाले वीडियो में टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने सोचा दोनों लल्ला को अलग अलग श्रृंगार करके दिखा दूँ। तो इसलिए बार उतारने में वो प्रॉब्लम होती है, जो तो चांदी की लल्ला के लिए बनवाई थी ना। तो अब ये दूसरे वाले पे ला सकती हूँ। मैंने दोनों पैरों में इनको पायल बना दिया। देखिए आज मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगी, देखते रहिए फिर बताती हूँ, जो मैंने फर्स्ट टाइम करी है तो लेकिन कामयाब हो गई है। तो मैंने इनको पायल बना दी, ये देखिए इसमें शाइन ज़्यादा कर रही है। हाँ ठीक है, उसके बाद मैंने हाथ बना दूँगी। ये वाला फिर ये बोला, ऐसे तो गर्मी का मौसम है, इसलिए लल्ला को मैं ये वाला आपको श्रृंगार करके दिखा रही हूँ बिना वस्त्र। अभी आपको बताऊंगी कि वो ट्रिक क्या है, जो मुझे तो सही लग रही है करने पर। तो अब मैं इनको ही कानों पे लगा दूंगी, वैसे कानों पे मैं पहनाने करने के लिए। तो ये वो हैं जो आराम से बच्चों के आपको जो बालों पे लगाने के लिए आइटम मिल जाती हैं। अभी दोनों तरफ मैंने लगा दिए। अब हाथों में पहना दूँगी। हाथों में ये थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए मैं यही पहना रही हूँ, तो अच्छे लगेंगे ऐसे। अब पैर में हो गए, हाथों में हो गए, अब मैं इनके बालों का करती हूँ। तो ट्रिक ये है, अब जैसे बालों पे हमें ब्लैक कलर की गम नहीं मिलती लगाने के लिए, तो ये मैंने लिए है, ये धूप बत्ती। पहली बार मैंने सोचा ये करके देखो, क्योंकि ये गम भी है मेरे पास, बड़ी ये गम जरा ज़रा से सब जगह लानी पड़ती है। तो ये ब्लैक कलर की मैंने धूप बत्ती ली है, तो इसको मैं इस तरह से लगा दूँगी और इस पर चिपका के देखती हूँ चिपकेगा नहीं चिपकेगा। मेरा मन हुआ कि एक बार, पर फिर भी वो बात तो नहीं आती जैसे गम की होती, लेकिन अगर थोड़ा बहुत चिपक जाता है। ये मैंने इनके लगा दिए हैं इस तरह से, अब मैं ये चिपका के देखती हूँ। हरे कृष्णा, चिपक के ये देखिए, देखिए आपको ये चिपक गई है। आप कैसे भी शेप देना चाहो वैसी हो जाएगी। फर्स्ट टाइम आपको लगेगा, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही करा है, आज मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया, मगर चलो कुछ करके देखते हैं अलग सा। तो ये देखिए आज मैं सब जगह यही यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी करके देखिएगा, वैसे हो जाती है। तो ये मैंने लगा दिया, अब इसी दुपट्टी को मैं राउंड राउंड करके इस तरह से यहाँ लगाऊंगी साइड में, और एक लगाऊंगी इधर। ये देखिए
और आज कुछ अलग शेंगा मेरे पास ये कुछ इस टाइप के हैं, तो मैं यहाँ लगा दूँगी इनको। ये थोड़ा हैवी है तो हो सकता है पता नहीं चिपके ना चिपके, और चिपके ये देखो कलंगी टाइप है, कुछ शिवनाथ जी का जैसे श्रृंगार होता है तो उसी तरह का है ये कुछ। हरे कृष्णा हरे कुछ ना, मैं हर बार वही सोचती हूँ कुछ क्या श्रृंगार अलग सा करूँ क्या श्रृंगार अलग सा करूँ, सेम सेम वही तो मैं यही सोचती रहती हूँ। तो मैं दोनों अलग आ जाए अलग श्रृंगार ओ हरे जी। आज तो पता रामायण आ रही है उस पर डीडी नेशनल पे, तो मुझे मेरी बहुत फेवरेट है, मैं जब छोटी सी थी जब ये रामायण आई थी। धुपत्ती से हो तो जाता है चिपक जाता है, लेकिन थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है, ज़्यादा सॉफ्ट धुपत्ती तो अच्छे से हो जाता है। मेरी थोड़ा टाइम हो गया रखे हुए तो मैंने सोचा चलो गम ये वाली येलो वाली भी है बट इसमें बहुत टाइट होती है तो मैंने ये लगा दिया। अब थोड़ा सा सावधानी देखते हुए, हाँ देखिए मैंने इनको सब बना दिया, मैं बिंदी लगा दूँगी इनको, तो मैंने बिंदी लगा दी इनको। अब ये थोड़ा सा इनका अच्छे से मेकअप करेंगे, अच्छे से मेकअप करेंगे बाबू का, इधर ये इधर जी। मैंने इनको अच्छे से रेडी कर दिया मेरे बाबू को, और ये हाथ पे लगा दूंगी मैं, और ये कपट का ऐसे। और बांसुरी ये वाली ऐसे, और चरण पाद अलग देखते हैं इनकी, बताती हूँ आपको थोड़ा दूर करना पड़ेगा। ये देखिए आप थोड़ा सा जा देखते हो इनका थोड़ा सा आहार, जो मैंने माता रानी को भी पहना रखी है वो इस तरह से सजा दूंगी मैं ऐसे। कृष्णा ये देखिए मैंने ये माला कर दी है इनको, अब ये वैजयंती माला है, इनको भी सोच रही हूँ मैं कुछ लगा दूँ। अब ये तुलसी जी रख दूंगी इनके पास। लल्ला का मेकअप मेरे बाबू का, ये देखो कैसे लगा है, सुंदर लग रहा है ना, ये देखो मैंने सर पे ये सब चीज़ें लगाई हैं, और आज बिना वस्त्रों के इनका मेकअप है, श्रृंगार है। और ये तो कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे सोने बाबू लज्जू बाबू कैसे लग रहे हैं, मेरे बाबू कैसे लग रहे हैं, मेरे बाबू ऐसे रख देती हूँ। राधे राधे। हाँ देखिए मैंने ये सब
रख दिए, मोर रख दिया है, यहाँ पे तोता रख दिया है, अष्ट सखी की दो सखियाँ भी सेवा के लिए खड़ी कर दी हैं। तो ये लास्ट कमेंट करके जरूर बताना मेरे काना जी का मतलब कैसा लगा। और जय श्री राधे।